हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई एप्लीकेशन हो गया या कोई वेबसाइट हो गया या आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो सभी के लिंक को आप कॉपी करके अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड कर सकते हैं, जिससे जो आपके व्यूवर्स हैं उस लिंक पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकें या आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकें या उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो जो नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो का लिंक ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे मैं इस वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहती हूँ, तो आपको सिंपली इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, तो हमारे वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है और आप जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करना चाहते हैं वो वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लॉन्ग प्रेस करना है और फिर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब यहाँ पर आप इस वीडियो का जो है टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हाउ टू ऐड थंबनेल। अब इसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है और ये सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपको किसी एप्लीकेशन का लिंक ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। देन उसके बाद आप यहां से उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पिक्सल लैब ले रही हूं। देन उसके बाद आपको यहां 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहां शेयर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहां पर आपको कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको बैक जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसका जो है नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ बैक जाना है और सेव कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने ये एक वेबसाइट लिया है pixabay.com, जहाँ से आप फ्री इमेजेस और फ्री वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने क्रोम गूगल में ओपन किया है। अब इसका लिंक आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है। देन यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। और आपको वही सेम प्रोसेस अपनाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको अपने प्रोडक्ट का लिंक कैसे ऐड करना हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने अमेज़न जो है ओपन किया है गूगल क्रोम में, ये आप अपने एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए त्रिपोर्ट जो है वो सर्च कर रही हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको शेयर लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो आपके प्रोडक्ट का जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो है वो बैक जाना है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है, तो आपका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा प्रोडक्ट का। और यहाँ पर आप इसमें नेम भी ऐड कर सकते हैं, टॉपिक, तो यहाँ मैं त्रिपोर्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है और यहाँ पर सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक कॉपी करके कैसे ऐड करना है अब मैं वो आपको बताती हूँ। मैं इंस्टाग्राम का आपको बताती हूँ। आपको सिंपली क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है instagram.com। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है लॉगिन होके भी अपना इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी आपको मेथड मिल जाएंगे। मैं इससे इजी वे आपको बताती हूँ। आपको सिंपली यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरा जो है इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है techfatima138, वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और ये जो आपको सर्च बार में दिख रहा है यही आपका इंस्टाग्राम का लिंक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब आपको जो है वो बैक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और पेस्ट वे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है ये कॉपी हो गया है, और यहाँ पर आप इंस्टाग्राम लिख देंगे, और यहाँ पर फिर बैक जाएंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे, तो आपके इंस्टाग्राम का लिंक है जो वो सेव हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अपने फेसबुक और ट्विटर का भी लिंक कॉपी कर सकते हैं। बस आपको उसमें लॉगिन होना होगा, और लॉगिन होकर आप अपना लिंक जो है वो कॉपी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करना सीख गए होंगे, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।